अस्सलामुअलैकुम, क्या चले? आप ठीक हैं? सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाज़िब भाषा। मेरा नाम है शुएब शिवास। जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। मुझे एक मैसेज आया था बेसिकली, सो ये मुझे फिर बनानी पड़ी ये वीडियो। अच्छा, बेसिकली वो मैसेज मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। वो कह रहे थे कि मैं 17 साल की थी जब मैंने रिक्वेस्ट की थी, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, तो एक साल तकरीबन हो गया है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छी बात है। सो रियली सॉरी अगर इतना इंतजार करवाया हमने बहुत। और ये वीडियो का टाइटल भी है रोशान्स वन ईयर जर्नी। सो बेसिकली रोशान की वन ईयर जर्नी के लिए आपकी वन ईयर जर्नी जो है ना वो भी जरूरी थी। सो देखते हैं ये वीडियो। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए देखने वाले लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। ये क्या सीन है? ये इनविजिबल है ये? वाओ, हैरी पॉटर तो नहीं है ये? ओ वाओ, ये रिवर्स है, ये रिवर्स इफेक्ट है। वाओ, ये कोई इनविजिबल वाली स्टोरी लग रही है ये। जादूगर भी? हाँ यार, ड्रामे का नाम भी कुछ ऐसा ही है। ओ वाओ, एडिटिंग थोड़ी सी वो कच्ची कह लो वो है, लेकिन सुपर पावर वाला ड्रामा लग रहा है ये। ओ, ओ। बहुत अच्छे हैं, पहला चंगी कोट चाड़ी बहुत गुड लुकिंग है वो तो लाजवाब लग रहा है। ओ आई थिंक इनके कोई वो दुश्मन उन्होंने मारा है। ओ मसाज पा गई। वाओ निंजा। ओ क्या स्टोरी है यार, सुपर सुपर हीरो टाइप। कभी प्यार करते हैं कभी लड़ते हैं, पता नहीं क्या है ये। ये तो पागल लग रहे हैं मुझे, देखनी ना। उन्होंने अपने जादू की वजह से जो तीर आ रहे थे उसे बिल्कुल रोक लिया, सितारों में बदल दिया, तीर कहीं और चला गया। बस चुम्मी की कमी है, हो गया। लड़का ज्यादा गुड लुकिंग है, जो बात थक की है।
यार ये फेक है, बहुत फेक लगा, बहुत फेक लगा है वो एकदम ब्लास्ट। ये सिंपल रोटोस्कोपिंग और एक्शन वीएफएक्स के पैक्स होंगे जो लगाए होंगे तो, और ये एडिटिंग नहीं है, ये असली सीन है। आई लाइक देन ये बिल्कुल हैरी पॉटर वाला सीन है। क्या बात है, ड्रामे इस तरह ला रहे हैं, बच्चे तो काफी फैन होंगे इस सीरियल के ऑनेस्टली। वाओ शर्मा गया, डर अगले सीन में फिर छुरी ना मार दे यार, फिर इन्हें लग गए यार। अभी तो मैंने बोला तो रू लगाया, निकली कश लगाया, ये तीर चला कौन रहा इन पे बार बार, पता नहीं वो भी कोई इनविजिबल होंगे। ओए यार महंगी लग रही थी रू एकदम, बदला जी उनकी रूह थी। वो कमरे में बादल यार, छोटे छोटे हाथ था ये, मेरी समझ से बाहर है इसकी स्टोरी, ये पहला कोई है मुझे स्टोरी नहीं समझ आ रही अभी तक, ये समझ आ गया मुझे। ये रिजल्ट तो आना था फिर, ये गुड़ी है, गुड़िया हाँ उसका सर जो है ना वो देख रहा तू, सर से कैसे लग रही है गुड़िया अंदर, हाँ अच्छा गुड़िया इस ड्रामे का नाम था ये जादू है जिनका लीडिंग कैरेक्टर जो थे, जो कैरेक्टर नेम है वो है अमान जुनेद खान एंड रोशनी अहमद, सो ने मिला के जो है रोशन कहते हैं। यार बड़ा ही एनिमेटेड टाइप ड्रामा है, नागिन के बाद मैंने पहला कोई ड्रामा ऐसा देखा है जो इस तरह का हो। नहीं वैसे ऐसी जो स्टोरीज हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा उसको लाइक करते हैं और बच्चों में खासा पॉपुलर ये होगा, ऐसा ही है। और नहीं बच्चों में लाइव स्टोरी का तो नहीं, लेकिन मुझे जो कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं स्पेशली एडिटिंग के लिहाज से, कुछ बुरी जो लगी हैं हाँ। ऐसी चीज़ें जो है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल ही आई मीन बिगिनर्स हैं जो काम सीख रहे हैं, सो वो इस तरह के काम जो एडिटिंग करें तो उनको चलो सूट करते हैं, ये यूट्यूब पे वीडियोस इस तरह की बनाएं तो वो चलें एक अलग ही, क्योंकि वो एक फ्री एंटरटेनमेंट आपको मिल रही है, सो एक बड़ी वेल एंड गुड और बड़ी एक मज़े की चीज़ होती है। और दूसरे नंबर पर जब आप एक प्रोडक्शन हाउस में इतना हैवी बजट ले के काम कर रहे आप शूट कर, सो आपको थोड़ा सा जो है ना इस पर आई मीन फोकस करना चाहिए, आपका
सारा थीम ही बिल्कुल ये वाला है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत खराब था, लेकिन कुछ चीज सीन्स ऐसे नहीं थे वो नजर जिसमें, आ रहा है, माम को भी नजर आ रहा है कि कुछ चीजें जो एडिटिंग है वो उस तरह से लेवल अरे की नहीं थी हाँ, कि जिनको। क्योंकि बड़े लेवल पे आप ड्रामा शूट कर रहे हैं, एक बजट आपके पास है, आपने उसमें वो ड्रामा शूट करना है। और उसके अलावा मुझे चीज़ें, एक कुछ बैकग्राउंड ऐसे थे जिसमें जब उन्होंने रोटोस्कोप किया या जब उन्होंने की जो भी की है, जब बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट की है और ट्रैकिंग जो इन्फॉर्मेशन है उनकी थोड़ी सी लैग कर रही थी। आई मीन कैमरा और जो मेन करेक्टर थे और पीछे से बैकग्राउंड जो है ना, वो थोड़ा सा उनमें डिफरेंट डिफरेंस था, जो मैंने नोट किया है कई जगह पे। और बाकी ओवरऑल जो देखा जाए ना, जिस तरह से वो जितना पहले हम कहते हैं कि जे आर ई बैकग्राउंड्स पे बहुत काम करते हैं, सो जिस तरह, और फिर उन्होंने वाइट कलर का और इस तरह के जो, आई मीन तूने नोट किया होगा जब बादलों में थे वो, तो उनके बिल्कुल इस तरफ भी उन्होंने लाइटिंग सी थी कि जिस तरह शेड पड़ा है वाइट कलर का, वो बड़े मज़े की चीज़ थी। उसके अलावा रोटो जो उन्होंने कंपोजिट किए थे कुछ सीन जिसमें तितलियाँ थी या फिर वो इस तरह की चीज़ें इन्होंने ऐड की थी, एलिमेंट्स ऐड किए थे, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। या स्टोरी जो थी या स्टोरी सेंस जो है वो मज़े की लग रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, ये हमारे भाइयों की तरह लग रही है। हम लोग बैठे होते हैं तो बहुत प्यार से होते हैं कभी कभी, और एक मिनट में लड़ पड़ते हैं और इस नहीं तरह लड़ लड़ते पड़ते हैं, हैं। सो ये मुझे वही सीन इनका लग रहा है, एकदम से वो बड़ा कूल से उनकी वाइब लग रही होती है और एकदम से वो तलवार छुरी चाकू मारने शुरू हो जाते तो ये हैं। बंदा कौन है जो तीर चला रहा है, ये डायरेक्टर तो ये नहीं है कि यहाँ से सीन ठीक नहीं यहाँ सीन भी तूने ठीक किया, हुआ टक करके मार दिया। लेकिन नहीं, ये बाकी आप थोड़ी बहुत स्टोरी जो आप इन शॉर्ट बता सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। मज़ा आया, आपको रिएक्शन अच्छा लगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम के लिंक मिलेंगे, जाके फॉलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। खत्म। पीस आउट।